आज का टॉपिक हम लोगों ने चूज़ किया है नेचुरल स्टेट ये नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड और बीइंग क्या होती है और कैसे हम इसको ऑप्ट कर सकते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं इन आवर लाइफ एंड इन बिहेवियर सर ऐसे तो मुझे लगता है कि नेचुरल स्टेट मतलब एफर्टलेसनेस इन योर लाइफ इन योर बिहेवियर वॉट यू आर डूइंग अगर आप एफर्टलेसली कर पाते हो मतलब आप नेचुरल स्टेट में हो और जैसे आपकी कंडीशनिंग हो जाती है तो फिर उसमें थकावट भी आती है गुस्सा भी आता है इरिटेशन भी एड ऑन हो जाती है बट तो हम हर समय रह नहीं पाते हैं नेचुरल स्टेट में और वो जानना चाहते हैं सर आई थिंक सर वी आर बॉर्न इन ए नेचुरल स्टेट एक बॉर्न बेबी होता है वो नेचुरल स्टेट में बॉर्न होता है पर लेटर ऑन वो कंडीशन होता है फर्स्ट कंडीशनर उसकी लाइफ में उसकी मदर होती है सेकेंड इज फादर देन ब्रदर सिस्टर जो एल्डर्स हैं उसकी लाइफ में और लेटर ऑन उसकी लाइफ में पेन एग्रेशन जैसे मैम ने कहा वो एड ऑन होता जाता है सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि वट इज़ दिस नेचुरल स्टेट ये वो नहीं है जो हम समझते हैं नेचुरल स्टेट हम किसे समझते हैं कि हम बिल्कुल पीसफुल हो जाएं और हमेशा वैसे ही रहें और कभी लाइफ में कोई दिक्कत ही ना आए ऐसा नहीं होता है प्रैक्टिकल लाइफ में नेचुरल स्टेट का मतलब क्या ये नहीं कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं होंगे फीलिंग्स में अप्स एंड डाउंस नहीं होंगे थॉट्स में अप्स एंड डाउनस नहीं होंगे सब कुछ होगा अच्छे से अच्छा होगा बुरे से बुरा होगा प्लेजर भी होगा पेन भी होगा प्लेजर पेन एट ऑल दी लेवल्स बॉडी के लेवल पे भी माइंड के लेवल पे भी फीलिंग्स के लेवल पे भी इमोशंस के लेवल पे भी सब कुछ होगा गुस्सा भी आएगा कभी एकदम से एंटैंगल्ड हो जाओगे थॉट्स में फिर एकदम से कभी बहुत ही अच्छा लगने लग जाएगा कभी बहुत ही बुरा लगने लग जाएगा ये सब कुछ होगा बट बैक ऑफ द माइंड इफ यू आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि पास्ट में इतना कुछ हुआ वो चला गया ना ये भी चला जाएगा अच्छा हो रहा है होने तो क्या फर्क पड़ता है बुरा हो रहा है होने तो क्या फर्क पड़ता है टेम्प्री है एक दो दिन का है अनित्य है यह अंदर एक मंत्र है जो चलना चाहिए ये करने से क्या होता है कि वो सस्टेन नहीं हो पाता है बिकॉज अगर आप उस स्टेट को रेजिस्ट करते हो मानो आपको बुरा फील हो रहा है एंड यू स्टार्ट रेजिस्टिंग या फाइटिंग विद इट तो वो सस्टेन हो जाएगा वो अगर एक दिन चलना होगा तो वो दस दिन चलेगा और अगर कुछ अच्छा हो गया आपकी लाइफ में और उसको आप सस्टेन करना चाहते हो तो वो पेन क्रिएट कर देगा सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड बट हैविंग सेड दैट देर इज अ स्टेट जिसको हम नेचुरल स्टेट कह सकते हैं जो अंडरलाइंग हमारी जो स्टेट है बिल्कुल उसके जैसी है और वो एक बच्चे की स्टेट से बेटर है क्योंकि हम बच्चों को और जानवरों को आइडियल मान लेते हैं लेकिन ऐसा नहीं है एक रेफरेंस देने के लिए ठीक है कि एक बच्चे का माइंड ऐसा होता है वैसा होता है क्योंकि अभी थॉट्स इतने ज़्यादा उसके इवॉल्व नहीं हुए हैं बट बच्चे की लाइफ कोई अच्छी लाइफ नहीं है अगर आपको एक बच्चे की जैसी लाइफ मिल जाए कि खाने के लिए पीने के लिए यहाँ तक कि अगर कहीं कुछ दर्द हो रहा है तो आप बोल तक नहीं सकते हो और हर चीज़ के लिए किसी और पर डिपेंड हो तो ये अच्छी स्टेट कैसे ये तो बुरी स्टेट है जानवरों को देखा जाए तो दे डोंट हैव एनी पावर ओवर ह्यूमन्स या ओवर अदर एनिमल्स जो कि उनसे ज्यादा पावरफुल है तो उनकी स्टेट अच्छी कैसे हो सकती है दे आर ऑलवेज लिविंग इन फियर तो मैं जिस स्टेट की बात करता हूं अपने अलग अलग सेशन में नेचुरल स्टेट जिसको कहते हैं वो क्या है टू बी फ्री फ्रॉम डिजायर टू बी फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेशन्स हम अपने माइंड में कुछ भी उल्टा पुल्टा एक्सपेक्ट कर लेते हैं उस थॉट को रिपीट करने लग जाते हैं फिर उसमें एंटेंगल्ड हो जाते हैं बट अगर उन एक्सपेक्टेशंस को आपको करेक्ट करना आता है चाहे फिर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है चाहे अपने ही माइंड में तो आप इमीजिएटली पीसफुल हो सकते हैं और अगर ये ना करें तो एंगर बढ़ता रहेगा फ्रस्ट्रेशन बढ़ता रहेगा मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जाम्पल अभी कुछ दिन पहले मैं खुद अपने थॉट्स में एंटेंगल्ड हो गया था बुरी तरीके से क्या होता है जैसे एक मकड़ी होती है ना एक जाल बनाती है और उस जाल में जाकर के खुद ही फंस जाती है. होता है क्यों नहीं होता सीरियसली <laughs> सर सबके साथ होता है मैंने अभी क्या बताया मैंने सेशन को शुरू कहां से किया नेचुरल स्टेट का मतलब क्या सब कुछ होगा yes, अच्छे से अच्छा बुरे से बुरा और होता ही रहेगा बट बैक ऑफ द माइंड आपको पता होगा कि ये टेम्पररी है प्लस आपका ध्यान सोल्यूशन पे होगा तो जब मेरे साथ में ये हुआ यानी बुरा फील होने लग गया गुस्सा आने लग गया अंदर एक फ्रस्ट्रेशन वाली स्टेट आ गई और ये मेरे लिए नेचुरल नहीं है क्योंकि आई एम वेरी क्लोज टू माई नेचुरल स्टेट ऑलमोस्ट ऑल द टाइम तो जैसे ये होता है तो मेरे को पता लग जाता है लोगों के साथ उल्टा होता है उनको तो अगर नेचुरल स्टेट एकदम से दिखा दी जाए तो वो कहेंगे ये क्या होता है मतलब कुछ भी नहीं है उनके लिए नेचुरल है जहां पे अंदर कुछ ना कुछ नुँ, कुछ ना कुछ नुँ, चलता रहता है वो उनके लिए नेचुरल है मतलब मेंटल एक्टिविटी मेंटल चैटरिंग इज नेचुरल फॉर मोस्ट पीपल बट फॉर मी इट इज अनैचुरल तो जैसे ही वो मेंटल चैटरिंग शुरू हुई बुरा फील होना शुरू हुआ एक अनइजीनेस आई तो मैंने उसको ट्रेस डाउन किया मैंने कहा देखता हूं क्या है

तो अब वो कुछ और ही बन चुका है जब शुरू किया था उसमें ग्रीड कहीं पर भी नहीं थी बट अब उसमें ग्रीड आ चुकी है उसमें डिजायर आ गया है उसमें मुझे कुछ चाहिए और वो रियलिटी पे बेस नहीं है तो माइंड की प्रॉब्लम क्या है कुछ भी सोच सकते हो फॉर एग्जाम्पल जब मैंने बिजनेस शुरू किया तब ये प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि कोई एक्सपेक्टेशन मिसमैच नहीं था क्योंकि शुरू किया तो मुझे पहले ही पता था यहां से अगर दस बीस हजार भी महीने का आ जाए तो बहुत होता है बट अब एक पर्टिकुलर लेवल है तो अब इस प्रोजेक्ट को मैं एक पर्टिकुलर लेवल पे देख रहा था कि इतना तो आना ही चाहिए तभी ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है नहीं तो बेकार है और वो हो नहीं रहा था तो मुझे गुस्सा आ रहा था तो ये क्या हुआ किसने मेरे लिए एक्सपेक्टेशन सेट करी किसी और ने नहीं मैंने खुद नहीं कि मुझे यहां से इतनी रिटर्न चाहिए इतने टाइम के अंदर अंदर जिसको हम गोल सेटिंग बोलते हैं उसकी वजह से बुरा फील होने लग गया गुस्सा आने लग गया एंगर फ्रस्ट्रेशन क्योंकि जब हम कुछ चाहते हैं और वो नहीं होता है तो गुस्सा आता है तो मैं अपनी ही चाहतों की वजह से उसमें फंस गया जाकर के फिर जब मैंने उसको क्वेश्चन किया और फिर मैंने देखा तब मैंने उस एक्सपेक्टेशन को रियलिस्टिक बनाया मैंने फिर उसका जो भी माइंड में एक्सपेक्टेशन थी उसको टेन एक्स से कम कर दिया फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल के लिए दस लाख रुपए महीना मैंने उसको कर दिया एक लाख रुपए महीना बिजनेस शुरू हुआ है ना लाख रुपए महीना में बुरा थोड़ी होता है एक दो साल तीन साल तो बिजनेस लॉस में ही जाता है मैंने कर दिया लाख रुपए महीना जैसे ही वो किया एकदम से पार्टनर से कुछ भी उल्टा उसकी वजह से परेशान हो रहे हैं एक्सपेक्टेशन को नॉर्मल कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ये विजडम कैसे बिल्ड करें जैसे आपने एनालाइज किया कि मैंने कुछ गलत सेट किया था तो अब मैं उसको करेक्ट करूं आप बैठे आपने देखा आपने सोचा ये मतलब सब कैसे कर पाए बहुत आसान है मतलब जो भी आप लाइफ में कर रहे हो तो जितना करोगे उतना ही तो मिलेगा इनफैक्ट जितना करते हो उतना ही मिलता है जितना वेट उठाएंगे उतना ही तो वेट उठेगा उससे ज्यादा कैसे उठ जाएगा और उससे कम कैसे उठ जाएगा जो एक्शन होगा वैसे ही तो रिएक्शन होगा जितना एक्शन होगा उतना ही तो रिएक्शन होगा बट अब थॉट की प्रॉब्लम क्या है वो कुछ भी इमेजिन कर सकता है कि मैं तो इतना कर रही हूं लेकिन इतना हो नहीं रहा है अरे जितना आप कर रहे हो उतना ही हो रहा है इतनी सी बात समझ जाओ तो प्रॉब्लम सॉल्व। जितना चाहिए उससे ज्यादा मेरे पास में है प्रॉब्लम सॉल्व। तो इसके क्या तरीके हैं एक अपने खर्चे कम करो दूसरा एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल रियलिटी पे बेस्ड कर दो कोई फालतू की उल्टी पुल्टी एक्सपेक्टेशंस नहीं जैसे फॉर एग्जांपल आप मैरिड हो हाँ तो घर में अगर वाइफ है और मदर है मतलब सास बहू है तो सास बहू है तो लड़ाई होनी ही है अगर ये क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट अगर आप ये एक्सपेक्ट करो अपने माइंड में कि नहीं वो तो उसकी माँ से भी भड़ करके हो जाएगी अरे कैसे हो जाएगी माँ तो माँ होती है तो ये उल्टी पुल्टी एक्सपेक्टेशन हम खुद सेट कर लेते हैं फिर खुद ही परेशान होते हैं बाई चांस हमने सेट किया भी गलत फिर हमें वो ऑब्जर्व करके एनालाइज करके कम डाउन हो जाना चाहिए हमें ये समझना है कि लाइफ वैसे नहीं चलती है जैसे हम चाहते हैं लाइफ वैसे चलती है जैसे लाइफ होती है हमारे चाहने से क्या होता है

और सबके आई होप बच्चे भी होंगे ठीक है तो माँ बाप बच्चों को लेकर के आज की डेट में बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है और कंट्रोल फ्रीक है कि मतलब वो हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर हमारे बच्चों के साथ में ऐसा होगा तो ही बच्चों की लाइफ अच्छी होगी नहीं तो बेकार हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल माँ बाप सोचते हैं कि अगर मेरे बच्चे का इस टॉप स्कूल में एडमिशन होगा और ये टॉप की डेफिनेशन क्या है वो मेरी समझ से परे है बट मान लेते हैं ऐसा कुछ है

तो क्या फर्क पड़ता है आप रिलैक्स हो गए ये जो मंत्र है ना क्या फर्क पड़ता है इसको अगर आप पकड़ लेते हैं ना तो अपनी नेचुरल स्टेट के पास पहुंचने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा दुनिया में कुछ भी हो रहा है क्या फर्क पड़ता है इस तरह से जो हम अपनी लाइफ की एक आइडियल पिक्चर क्रिएट करते हैं वही हमारे लिए जाल है और हम उसमें फंस जा रहे हैं exactly. एग्जैक्टली अपनी एक आइडियल पिक्चर क्रिएट कर रहे हो जो आप खुद भी क्रिएट नहीं कर रहे हो दुनिया आपके लिए क्रिएट कर देती है या फिर जो आपकी पास कंडीशनिंग है उसके अकॉर्डिंग क्रिएट हो जाती है जैसे बाई माई वेरी नेचर एम एन ऑन्टरप्रन्योर तो ऑन्टरप्रेन्योर्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि एक बार उनका माइंड एक्टिवेट हो जाता है किसी प्रोजेक्ट को लेकर के किसी आइडिया को लेकर के तो वो बहुत तेजी से एक्सपैंड करने लग जाता है माइंड में जैसे जो लोग जॉब करते हैं उनकी जो एक्सपेक्टेशं होती हैं वो ज्यादातर बहुत ही रियलिस्टिक होती है उनको पता होता है हमारी इतनी कमाई है इतने खर्चे हैं तो फालतू का कुछ ज्यादा ना वो सोचते हैं ना ज्यादा खर्चा करते हैं बट जो ऑन्टरप्रेन्योर्स होते हैं उनकी ना तो ऊपर की कोई लिमिट है ना नीचे की कोई लिमिट है ना तो खर्चे की कोई लिमिट होती है ना ग्रीड की कोई लिमिट होती है और जहां ये आया आप फंस गए तो मैं ये नहीं कह रहा लाइफ में ग्रो मत करो क्योंकि अगर मैंने अपनी एक्सपेक्टेशंस को चेंज किया उस प्रोजेक्ट को लेकर के इसका मतलब ये नहीं कि उस प्रोजेक्ट में मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा क्योंकि एक्सपेक्टेशन से थोड़ी ना कोई हम प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल होते हैं वो तो टाइम के साथ साथ होता है सब कुछ वैसे ही हो रहा है उसी लेवल पर काम हो रहा है जिस लेवल पर पहले हो रहा था बस फर्क क्या हुआ कि अब आराम आराम से होगा कोई आफत नहीं है दो दिन में पहाड़ नहीं तोड़ना है पहाड़ तोड़ रहे हैं टाइम लगेगा दो साल लगेंगे तीन साल लगेंगे चार साल लगेंगे आराम आराम से तोड़ेंगे दिन का दो घंटा चार घंटा छह घंटा आराम से तोड़ेंगे पहाड़ को जल्दी क्या है इस जल्दी की वजह से तो हम स्ट्रेस क्रिएट करते हैं अपने माइंड में और फिर अगर यह पहाड़ नहीं टूटा दस दिन में तो पता नहीं क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा टूट <laughs> भी गया तो क्या हो जाएगा ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग लाइफ में चाहिए होती है यस yes, सर uh, मैं इसको एक्सपीरियंस कर रही हूँ बिकॉज़ फ्रॉम लास्ट ईयर आई एम इन द सेम जर्नी ऑफ अंतरप्रेनर तो बहुत बार वो डेस्परेट एनर्जी होती है जिसके कारण स्लीपलेस नाइट्स होती हैं तो यस आई रियली कैन रिलेट जिस तरह आपने कुछ सॉल्यूशन दिए तो आई विश कि थोड़ा सा और इसको एलेबोरेट कर सके सो so देट uh, मैं अपने लिए हम लोग सी इस इंडस्ट्री में हम ये सुन रहे हैं कि एक्शन स्टेप लो अपने आप को पुश हार्ड करो जितनी अपनी लिमिट्स है उनको क्रश करो ये सब करते या सुनते कहीं ना कहीं माइंड हैवी हो जाता है और फॉर मी माई नेचुरल स्टेट इज़ वेन आई फील लाइट तो जब मैं हैवी फील कर रही हूँ तो मैं अपने नेचुरल स्टेट में अपना नेचुरल नहीं दे पा रही हूँ अपना ट्रू बेस्ट पोटेंशियल देखिए इसको ना बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा नेचुरल हो गए तो भी गड़बड़ हो जाएगी तो आप काम ही नहीं करेंगे उसको लेजीनेस बोल सकते हैं और अगर बहुत ज़्यादा डिस्परेट हो गए तो माइंड के लेवल पर रेस्टलेस हो जाओगे तो भी अपने आप नेचुरल स्टेट से दूर हो इनफैक्ट नेचुरल स्टेट के अगर पास रहना है तो आपको मॉडरेटली एक्टिव रहना है लाइफ में हमेशा अभी मॉडरेट एक्शन क्या होता है इन एक्शन इज नॉट नेचुरल स्टेट उसको नेचुरल स्टेट मत समझ लेना अगर उस हिसाब से देखा जाए तो सड़क के साइड में जो भैंस बैठी है वो नेचुरल स्टेट में है कोई भी हॉर्न बजा रहा है पीछे जैम लग रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बैठी, है बैठी है बैठी है तो क्या वो नेचुरल स्टेट है वैसे होना चाहते हो कि कहीं पी करके बैठ गए हो लेटे हुए हो, हो कुछ भी हो रहा है क्या फर्क पड़ता है नहीं आई एम वो इज कि आप मॉडरेटली एक्टिव हो लाइफ में अब मॉडरेटली एक्टिव कैसे होते हैं जब लाइफ में एक रियलिस्टिक गोल होता है और रियलिस्टिकली हम उसकी तरफ एक्ट कर रहे होते हैं ना तो जरूरत से ज्यादा एक्साइटेड है ना बहुत परेशान है ये दोनों ही अनैचुरल स्टेट है जैसे मैंने आपको बिल्कुल सिंपल एग्जांपल दिया है अब आपके ऊपर है आप पहाड़ तोड़ रहे हो या एक पत्थर तोड़ रहे हो वो तो पत्थर बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है और बड़ा पहाड़ भी हो सकता है तो जितना बड़ा आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो उतना ही आपको ये समझना होगा उतना टाइम लगेगा उतना पेशेंस चाहिए उसी हिसाब से एक्सपेक्टेशन को सेट करना होगा उसी हिसाब से स्टेप्स उठाने होंगे इन अदर वर्ड्स छोटे छोटे स्टेप्स उठाते चले जाना है सही डायरेक्शन में और रिलैक्सड रहना है मतलब खाली भी नहीं बैठे रहना है क्योंकि अगर आप वो हो गए तो फिजिकली मेंटली आप आलसी हो जाओगे जैसे ही आलसी हो गए तो फिजिकल लेवल पे प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी जैसे ही फिजिकल लेवल पे प्रॉब्लम शुरू होगी तो माइंड के लेवल पे प्रॉब्लम शुरू हो, तो हो जाएगी अगर मैं इसको एक और तरीके से पुट करूं तो तीन तरह की स्टेट्स होती हैं हमारे माइंड की और बॉडी की एक होती है सात्विक एक होती है आतसिक एक होती है तामसिक सुना है आपने इन तीनों के बारे में पहले बात करते हैं तामसिक तामसिक क्या है बोलते हैं जैसे खाना भी है तो ये तामसिक है ये सात्विक है ये राजसिक है तामसिक क्या करता है आपको आलसी बना देता है फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल दैट इज वॉट दैट इज तामसिक या फिर कुछ ऐसा आप खाते हो जिसके बाद में आप पूरी तरह से आलसी हो जाते हो या कोई ऐसा थॉट जिससे कि आप पूरी तरह से आलसी हो जाते हो वो तामसिक है तामसिक इज नॉट गुड फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पर्स्पेक्टिव शॉर्ट टर्म में बड़ा मजा आता है तामसिक में और ये मत समझ लेना कि तामसिक बुरा है क्योंकि जो हम डेली सोते हैं सात आठ घंटे वो तमस की वजह से ही होता है तो ये तीनों ही चाहिए हमको बट लिमिट में चाहिए लोग क्या होता है माइंड लोगों का इतना एनालिटिकल नहीं होता है तो वो क्या करते एकदम से एक्सट्रीम में भागते हैं कि तामसिक बुरा है अरे बुरा नहीं है क्योंकि अगर नींद ही नहीं आएगी आपको और भागते ही रहोगे तो वो किस काम का है तामसिक अच्छा है बट जिस टाइम पे तामसिक की जरूरत है उस टाइम पे यानी रात के वक्त रात के दस ग्यारह बज गए हैं आपको नींद आनी शुरू हो चुकी है अब आपने अपना मोबाइल ऑफ कर दिया है टेलीविजन ऑफ कर दिया है धीरे धीरे एक जोन में जा रहे हो और सो गए हो दूसरी एक स्टेट होती है राजसिक राजसिक मतलब क्या अब हम राज करना चाहते हैं इस दुनिया पे यू वॉन्ट टू बी इन कंट्रोल ये थॉट की स्टेट है तामसिक में थॉट डीएक्टिवेट हो जाता है राजसिक में क्या होता है थॉट जरूरत से ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है जिसकी वजह से फिजिकली आप फील करते हो शॉर्ट टर्म में मजा आता है उस स्टेट में क्योंकि एक एनर्जी एक रश फील होता है बॉडी में लेकिन उसकी वजह से गुस्सा भी बहुत आता है हर प्रॉब्लम की जो जड़ है वो काम है काम मतलब कामना जब कामना पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है और जब कामना पूरी हो जाती है तो लोभ आता है दोनों ही अननेचुरल स्टेट है तो दोनों की जड़ क्या है कामना अब कामना को क्या हम छोड़ दें क्योंकि छोड़ देंगे तो तामसिक हो जाएंगे तो कामना होनी चाहिए बट क्या काम करने की कामना जिसको निष्काम कर्म बोलते हैं कर्म कर रहे हो लेकिन उसमें लालच नहीं है क्यों कर रहे हो अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए तो मैंने कैसे रियलिस्टिक बनाया अपनी उस एक्सपेक्टेशन को कि मैं ये जो कर रहा हूं ये जो नया प्रोजेक्ट वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ सीखने को मिल रहा है इसीलिए वो शुरू किया था और में तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है और पैसे में अगर हो तो जितना मैं अपने बिजनेस से कमा रहा हूं उससे सौ गुना ज्यादा मैं यहां से कमा सकता हूं आज की डेट में ये जो मैं सेशंस कर रहा हूं बट उसमें तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है लेकिन हुआ क्या कि जब शुरू किया और उसको करता रहा करता रहा करता रहा तो एक ऐसे जोन में चले गए जो ग्रीड वहां पर पैदा हो गई थी तो उस ग्रीड की वजह से अनइजीनेस आ रही थी आप रिलेट कर पा रहे हो इस सबको देख पा रहे हो ना हाँ ये पूरी की पूरी एक साइकिल है बट अगर फंडामेंटल्स आपको क्लियर है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो फंडामेंटल्स क्या है कि जब भी कामना आपकी अपने कर्म से हट करके फल की तरफ चली जाती है यानी जो आउटपुट है उसकी तरफ जरूरत से ज़्यादा चली जाती है अलाइन करने के लिए आपको वो चाहिए और वो फल रियलिस्टिक होना चाहिए बट एक्चुअल में आपका फोकस कहां होना चाहिए कर्म पे, उसमें आपको मजा आना चाहिए और अगर उस पर आपको पूरा फोकस आ गया फल अपने आप ही अच्छा आएगा अगर अच्छे से बीज बहोगे अच्छे से पानी दोगे अच्छे से उसकी केयर करोगे तो फल तो अपने आप आ जाएगा फल की क्यों टेंशन ले रहे हो तो मैंने अभी बात करी राजसिक की राजसिक क्लियर हो गया राजसिक का अगर आपको लाइफ में एक एक्सट्रीम एक एग्जाम्पल एक देखना है तो आपने सिकंदर की कहानियां सुनी होगी एलेक्जेंडर द ग्रेट कि पूरी दुनिया को जीतना चाहता था तो वो एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल एक हो गया राजसिक का जब हम राजसिक मोड में होते हैं तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता हम क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं और धीरे धीरे गुस्सा हमारे अंदर भरने लग जाता है जरा सा भी कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता है हमको गुस्सा आता है हम चाहते हैं हर इंसान हमारे हिसाब से चले दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है वो हमारे हिसाब से हो फॉर एग्जाम्पल आप जॉब कर रहे हो तो आपको है कि मेरी प्रमोशन होनी चाहिए तो मेरी ही होनी चाहिए उसकी नहीं होनी चाहिए जो मेरे साथ में है अब आप किस मोड में है रातिक में है और इसका असर आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट पर आने लग जाता है मतलब अब आप थॉट में एंटैंगल्ड हो रहे हैं अब वहां से बाहर निकलने के लिए लोग क्या करते हैं एल्कोहल लेंगे या ओवर इंडल्ज हो जाएंगे खाने पीने में तो वो तामसिक की तरफ चले जाएंगे तो लोग राजसिक से तामसिक की तरफ जाते हैं और जो जरूरत से ज्यादा तामसिक में चला जाता है उसके लिए राजसिक में भी वापस आना मुश्किल हो जाता है देख रहे हो ना अपने आसपास में लोगों को आप ऑब्जर्व कर सकते हो किस तरह से किस किस जगह पर एंटेंगल्ड है जैसे कुछ लोग होते हैं अब वो कुछ करते ही नहीं है घर बैठे तो घर ही बैठे हैं पूरा दिन सुबह से लेकर के रात तक उनको आप तामसिक बोल सकते हो एक है जो पागल हुए पड़े हैं कुछ करने में लेकिन फड़फड़ाए हुए हैं मतलब कुल्ली कामली नहीं कर रहे हैं इरिटेटेड है फ्रस्ट्रेटेड है खुद का भी जीना हराम है और औरों का भी जीना हराम किया हुआ है वो आक्षिक हो गए और एक होता है सात्विक सात्विक क्या होता है सत्य के संग जब आप एक बैलेंस्ड लाइफ जी रहे होते हो अब आप कर्म कर रहे हो आपने कर्म को नहीं छोड़ा है यानी आपके अंदर आर्सिक क्वालिटी है बट वो निष्काम कर्म है वो आप सेवा भाव से कर रहे हो कर्म आप इस तरीके से कर रहे हो जिसकी वजह से आपका मन शुद्ध होता है एक कर्म है जिससे आपका मन अशांत होता है एक है कर्म जिससे आपका मन शांत होता है अगर आप कर्म को इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो कर्म आपको हेल्प करेगा एक अच्छी नींद के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा कर्म है वो कर्म आपको हेल्प कर रहा है आपको और आपकी फैमिली को सस्टेन करने के लिए बहुत अच्छा कर्म है रोटी कपड़े मकान के लिए बहुत अच्छा कर्म है बट अगर वो कर्म आप कर रहे हो आउट ऑफ ग्रीड आउट ऑफ जेलिसी आउट ऑफ एंगर आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन आउट ऑफ द अर्ज टू प्रूव समथिंग टू समन तो वो सब ऐसा कर्म है जो आपको अशांत करता ही चला जाएगा उस जगह पे आप कितना भी अचीव कर लो कुछ हाथ नहीं लगने वाला तो सात्विक मतलब क्या जब आप सत्य के संग हो इसीलिए पहले के जमाने में सत्संग की बात करी जाती थी आज सत्संग का मतलब लोगों ने कुछ और ही निकाल दिया है मूवीज के सॉन्ग्स होते हैं उसी का भजन बन जाता है और लोग गाते हैं नाचते हैं और वो समझ रहे हैं कि वो सत्संग हो रहा है दैट इज नॉट सत्संग सत्संग मीन सत्य के संग जहाँ पे सत्य की बात हो रही है सत्संग में एक ऐसा इंसान जो एक्चुअल में अंदर से बिल्कुल करप्ट है लेकिन अगर वो रेगुलर सत्संग में जाने लग जाए जहाँ एक्चुअल में सत्संग की बातें होती है तो धीरे धीरे उसके भी अंदर से वो क्वालिटीज बाहर आने लग जाएंगी तो एक होती है सात्विक लाइफ वहाँ पे आप ना ज़्यादा खाते हो ना कम खाते हो ना बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हो फिजिकली ना बिल्कुल ही कम करते हो ना मेंटली आप पूरी तरह से एक्टिव हो ना मेंटली पूरी तरह से नशे में हो जागे हुए हो, हो अपना काम कर रहे हो और काम को आप कर रहे हो नॉट एज एन एंड या काम से जो भी कुछ मिल रहा है दैट इज नॉट एन एंड इन लाइफ दैट इज़ मीन्स टू एन एंड ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट मैं कोशिश करता हूँ इसको सिंपल करने का लोग काम से जो मिलता है वो क्या मिलता है पैसा उसको एंड गोल समझ लेते हैं लाइफ का वो समझ जाओ वो परेशानी जिएंगे और परेशान ही मरेंगे चाहे दुनिया की नज़र में कितना भी मिल जाए अंदर से दो कौड़ी के भिखारी हैं ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में बहुत सो so कॉल्ड पैसे वाले लोग हैं क्यों क्योंकि उन्होंने मीन्स को एंड समझ लिया है जैसे पेट्रोल मीन्स है एक जरिया है गाड़ी में पेट्रोल डालते हो कहीं जाते हो पेट्रोल इज नॉट द एंड गोल ऑफ लाइफ ऐसे ही पैसा इज नॉट द एंड गोल ऑफ लाइफ इट इज जस्ट मीन्स टू एन एंड नाउ वॉट इज द एंड गोल ऑफ लाइफ सत्य सत्य को जानना सत्य में जीना सत्य को समझना किसका सत्य खुद का सत्य इस दुनिया का सत्य नहीं भगवान का सत्य नहीं क्योंकि अगर आपने खुद को जान लिया तो आपको भगवान का सत्य भी समझ आ जाएगा दुनिया का भी आ जाएगा लाइफ का भी आ जाएगा डेथ का भी आ जाएगा सबका आ जाएगा यह लाइफ का हाईएस्ट गोल है और हाईएस्ट पर्पस है जब ये हो जाता है यानी जब आप सत्य के संग हो जाते हो पूरी तरह से नॉलेज वाइज भी और एक्सपीरियंशियली भी सत्य को अच्छे से समझ जाते हो ऐसे इंसान को स्थित प्रज्ञ बोलते हैं प्रज्ञ मतलब उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो स्टेबल हो गई है सत्य में अब वो एक नेचुरल स्टेट में है जिसको सहज समाधि भी बोलते हैं समाधि मतलब धी मतलब होता है बुद्धि तो उसकी बुद्धि समान अवस्था में रहती है चाहे कुछ भी हो रहा है चाहे कुछ भी नहीं हो रहा है ये एक्चुअल में समाधि होती है बट समाधि का भी मतलब हम कुछ और ही समझते हैं सर नेचुरल स्टेट और समाधि आपकी अभी जो बात सुनी उसमें लगता है सेम है बिल्कुल सेम है जो नेचुरल स्टेट है उसमें आप तब तक नहीं रह सकते जब तक अंदर से पूरी तरह से डिज़ायर और फियर मिट नहीं गया है और ये डिज़ायर और फियर दो नहीं है एक ही है जिस चीज़ से रिलेटेड हमारे अंदर डिज़ायर होता है उसी चीज़ को खोने का डर होता है जब डिज़ायर होता है और वो नहीं मिलता है तभी गुस्सा आता है डिज़ायर होता है और वो मिल जाता है तभी लालच पड़ता है लालच पड़ता है तो मन और अशांत होता है तो इस तरह से जब हम बड़े आराम से स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को समझ लेते हैं तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो पूरी तरह से एफर्टलेसली सत्य के संग हो जाती है मतलब आप कह सकते हो जो सत्संग है वो चौबीस घंटे चल रहा है तो सर इसका मतलब जो डिजायर है वो हमारा पहला अज्ञान है अज्ञान जड़ है डिजायर की मतलब क्या हमें ज्ञान है इस दुनिया का आपको ज्ञान है सोफे का मैं आपसे पूछूंगा सोफा कौन से कलर 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 का 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 है 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 रेड वो ऑरेंज ये क्या है? आपके हाथ में माइक है 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 ये क्या है? है। ये क्या शर्ट शर्ट टी है। ज्ञान है हमें किस चीज का का इस दुनिया बट अगर मैं आपसे पूछूंगा आप क्या हो ये क्या है तो आप ऊपर ऊपर लेवल पर बात करोगे अच्छा मैं मेल हूं ये फीमेल है अरे तो आज की डेट में मेल को फीमेल बनाना क्या बड़ी बात है तो तो बदल सकता है बिल्कुल ऐसा है कि मैं आपसे पूछ रहा हूं आप क्या हो आप कह रहे हो मैं ना रेड टी शर्ट हूं तो अब मैंने ग्रीन टी शर्ट पहना दी तो अब आप क्या हो अब मैं ग्रीन टी शर्ट हूं तो आप क्या हो आप रेड टी शर्ट हो ग्रीन टी शर्ट हो तो अज्ञान किसका खुद का आत्मा का आत्मा मतलब क्या मैं कोई भूत प्रेत नहीं सेल्फ नॉलेज इसी को बोलते हैं सेल्फ अंडरस्टैंडिंग सेल्फ रियलाइजेशन ये सब अलग अलग वर्ड्स हैं बट आत्मज्ञान मतलब क्या आत्मा ही सत्य है आत्मा मतलब क्या मैं तो जब मैं खुद के सत्य को जान जाता हूं तो मैं डिजायर से फ्री हो जाता हूं बिकॉज बाय माई वेरी नेचर आई एम इंफिनिट तो इन्फिनिट में डिजायर कैसे उठ सकता है तो डिजायर के पैदा होने के लिए मुझे पहले भूलना पड़ेगा कि मैं क्या हूं बट भूलने का सवाल तब उठता है जब मैं जानता हूं कि मैं क्या हूं आराम से समझना आराम से इसकी कई लेयर्स आ रही है एक होता है अज्ञान एक होता है ज्ञान एक होता है भूलना ज्ञान को हम भूल भी तो जाते हैं ना जैसे कई बार होता नहीं हम कोई चीज कहीं पर रख करके भूल जाते हैं और बाद में पता लगता है हमारी पॉकेट में ही तो थी तो बाय डिफॉल्ट हर इंसान अज्ञान में है इग्नोरेंट है ऑफ द फैक्ट कि वो कौन है खुद की नॉलेज कहीं पर भी नहीं है ना किसी स्कूल में ना कॉलेज में ना घर पर और जहां है उसको तो कोई छूता ही नहीं है उसको तो कोई पढ़ता ही नहीं है उसको दूर से सिर्फ हाथ जोड़ते हैं लोग और पूजा करते हैं और उसको अगर आप पढ़ने की बातें करोगे घर वाले डर जाएंगे आप उनके सामने बैठ करके वेद पढ़ने लग जाओ उपनिषद पढ़ने लग जाओ वो डर जाएंगे वो कहेंगे किस चक्कर में है कहीं सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चले ना जाए और लोग चले भी जाते हैं क्यों क्योंकि उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं क्योंकि किसी ऐसे इंसान से समझना पड़ेगा ना जो उसको समझता है किसी ऐसे इंसान से समझ लिया जो खुद ही उसको नहीं समझता है उसका कुछ गलत मतलब निकाल लिया है तो आप एक्चुअल में फंस जाओगे जैसी उसमें वैराग्य की बात होगी तो वो कहेगा कि वैराग्य मतलब सब कुछ छोड़ दो तो आप सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चले जाओगे अपने कपड़े चेंज कर लोगे दैट इज नॉट वैराग्य वैराग्य मतलब कर्म के फल को छोड़ दो कर्म को मत छोड़ो जो कर रहे हो वो करते रहो फैमिली को मत छोड़ो बच्चों को मत छोड़ो अपने काम को मत छोड़ो जगह को मत छोड़ो मैं को छोड़ दो ना जो सबका सेंटर पॉइंट है मैं झूठ को देख लो ये जो आप बोलते हो ना मैं ये हूं इससे बड़ा दुनिया में कोई झूठ नहीं है लेकिन पूरी दुनिया यही जी रही है इसको अज्ञान बोलते हैं जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप क्या हो आप बोलते हो मैं ये रेड टी शर्ट हूं क्या ये सच है झूठ है झूठ है क्यों झूठ क्यों है क्योंकि मैं हर दिन बदल रहा हूं अगर मैं रेड टी शर्ट हूं तो ये झूठ है कि ये रेड टी शर्ट है बट अगर इसी झूठ में हम जिए और इसी में मर जाए तो क्या जिए बट ऐसे ही दुनिया जीती है इस दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं सब ऐसे ही जीते हैं झूठ में जी रहे हैं तो झूठ में जब हम जीते हैं तो नेचुरल स्टेट की बातें तो हो सकती है बट एक्चुअल में नेचुरल स्टेट कहीं पर भी नहीं है अब आप चाहे मेडिटेशन कर लो चाहे कहीं चले जाओ चाहे कुछ पकड़ लो चाहे कुछ छोड़ दो कुछ भी कर लो शांति नहीं मिल सकती है क्यों क्योंकि आपका मैं तो वहीं का वहीं है ना मैं तो टी शर्ट के साथ में ही है ना जब तक आप टी शर्ट हो तब तक आप शांत कैसे हो सकते हो तब तक आप डिजायर से कैसे फ्री हो सकते हो तब तक आप फियर से कैसे फ्री हो सकते हो टी शर्ट फट रही है टी शर्ट मरने वाली है ये सब टी शर्ट के लेवल पे है तो जब हमें आत्मज्ञान हो जाता है तो हम इस सच को देख लेते हैं कि मैं ना पैदा होता हूं ना मैं मरता हूं मैं सिर्फ यहां नहीं हूं बल्कि यहां और वहां का कॉन्सेप्ट भी मुझमें है सब कुछ मुझमें है मैं समय में नहीं हूं समय मुझ में है समय मतलब बदलाव तो जब इस सब को आप देख लेते हो तब आपकी जो नेचुरल स्टेट है वो डिजायरलेसनेस होती है क्योंकि इंफिनेट में डिजायर नहीं होता है लेकिन खुद को जानने के बाद भी ये एक और लेयर आ गई पहले तो करोड़ों में अरबों में कोई एक होता है जो खुद को एक्चुअल में एक्सपीरियंशली भी जानता है और नॉलेज वाइज भी जानता है उसके बाद भी आप भूल तो सकते हो ना कुछ कर रहे हो तो भूल गए जहां भूल गए वही एंटैंगल्ड हो गए भूलने का सवाल कब उठता है जब पहले याद हो तो आत्मज्ञान होने के बाद भी आप फंस सकते हो इस थॉट की साइकिल में जब आप भूल जाते हो उस नॉलेज को जिस नॉलेज को आपने एक्वायर किया है या समझा है तो आप फिर से भिखारियों की तरह एक्ट करने लग जाते हो भिखारी मतलब क्या कि मुझे कुछ चाहिए इंफिनिट को क्या चाहिए अगर आप ही इस यूनिवर्स का सच हो आप में सिर्फ ये प्लानिट नहीं है ये पूरा यूनिवर्स सारी गैलेक्सीज सारे प्लानिट्स जहां पर भी लाइफ है सिर्फ यहां थोड़ी है लाइफ इतने बड़े यूनिवर्स में और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जहां पर लाइफ होगी बस अभी तक हमें पता नहीं है तो जहां पर भी लाइफ है जैसी भी लाइफ है मतलब जो भी कुछ है इस पूरे यूनिवर्स में वो सब कुछ मुझ में है अब आपके अंदर क्या डिजायर उठेगा किसी इंसान के बैंक अकाउंट में अगर एक लाख करोड़ रुपए पड़ा होगा तो क्या वो सौ दो सौ रुपए के पीछे धक्के खाएगा क्या वो सौ दो सौ रुपए के पीछे भीख मांगेगा सौ दो सौ छोड़ो हजार रुपए के पीछे भीख मांगेगा नहीं ना ऐसे ही जिस इंसान के अकाउंट में इंफिनिट वेल्थ है अब वो क्या करेगा उसको क्या चाहिए दिस इज द एंड ऑफ डिजायर एंड द एंड ऑफ फियर बिकॉज दैट पर्सन फ्री फ्रॉम लाइफ एंड डेथ उसको मारने का कोई तरीका नहीं है वो सब में है और सब उसमें है तब उसे किसी से जुड़ना नहीं है वो सबसे जुड़ा पड़ा है बिना कुछ करे दिस इज द ब्यूटी ऑफ आत्मज्ञान हाउ डू यू कनेक्ट साउंड ऑफ साइलेंस विद दिस नेचुरल स्टेट साउंड ऑफ साइलेंस इज द एक्सपीरियंस ऑफ द सेल्फ जैसे अगर आपको सोफे के बारे में जानना है तो दो चीजें आ गई ना एक है अंडरस्टैंडिंग अबाउट द साइंस बिहाइंड दिस एक है एक्सपीरियंस ऑफ दिस इसको टच करोगे देखोगे फील करोगे तो जो इसका एक्सपीरियंस है वो नॉलेज से अलग है एक है एक्सपीरियंस ऑफ वाटर पानी पीते हो उसका एक एक्सपीरियंस होता है एक है साइंस ऑफ वाटर दो अलग अलग, अलग चीजें हैं जिसको साइंस नहीं भी आती है वाटर की प्यास तो उसकी भी बुझाता है ना पानी तो एक है एक्सपीरियंस ऑफ द साउंड ऑफ साइलेंस आपको है इसका एक्सपीरियंस यस yes, सर आप लोगों को है अच्छा yes, तो आपको भी नहीं है ये कोई मुश्किल नहीं है yes, आपको कहीं भी साइलेंट जगह पर बैठना है अपने कान बंद कर दीजिए अब आप कहोगे कान बंद हो गए तो आवाज़ कैसे आएगी ऐसी <laughs> एक आवाज़ है जो कान बंद करने के बावजूद भी आती है उसको साउंड ऑफ साइलेंस हम कह सकते हैं वो हो गया एक्सपीरियंस ऑफ सत्य अभी हमने बात करी थी ना सत्संग की तो अब आप सत्य के संग हो लेकिन आपको नॉलेज नहीं है ज्ञान नहीं है एक है अनुभूति अनुभूति मतलब एक्सपीरियंस एक है ज्ञान नहीं है जैसे बहुत लोग हैं उनको साउंड ऑफ साइलेंस का एक्सपीरियंस तो है बट इसमें भी अपनी इमेजिनेशन बीच में घुसा देते हैं कि अच्छा ये ना एक रास्ता है जिसपे चल करके मुझे वहां जाना है और एक दिन एक द्वार खुलेगा उसमें से ये निकलेगा वो निकलेगा कुछ भी इमेजिन कर रहे हैं इसमें इमेजिनेशन की कोई जगह नहीं है ये है अब जितने भी वेद हैं जितने भी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं वो सब इसी के बारे में बात कर रहे हैं इसको उससे कनेक्ट करो तो अब आपको समझ आएगा कि ये क्या है और इससे भी जरूरी है कि आप क्या हो अगर आप ही साउंड ऑफ साइलेंस हो तो टॉपिक इज क्लोज मुझे कुछ और कहने की जरूरत है कि आप क्या हो कहां हो कैसे हो देखते चले जाओ साउंड ऑफ साइलेंस को कैसी है तो सर इसका मतलब द डे यू एक्सपीरियंस साउंड ऑफ साइलेंस उसके बाद जो भूलने की जो एक आपने बताया था कि पॉसिबिलिटी है वो खत्म हो जाती आप साउंड ऑफ साइलेंस को तो नहीं भूल सकते एट एन एक्सपीरियंशियल लेवल क्योंकि वो तो है ही जैसे एक्सपीरियंस हो गया तो हो गया राइट right? बट कहीं और कुछ कर रहे हो तो ध्यान कहीं और लग गया तो साउंड ऑफ साइलेंस ध्यान हट गया दैट इज ओके बट एक है नॉलेज ऑफ द साउंड ऑफ साइलेंस नॉलेज को हम भूल सकते हैं बिकॉज नॉलेज इज कनेक्टेड टू मेमरी अब मेमरी में कुछ और चीज को आपने इंपॉर्टेंस दे दी बिकॉज ऑफ योर पास्ट कंडीशनिंग जैसे बचपन से ही आपके माइंड में गोल्ड को लेकर के सोने को लेकर के एक बहुत अट्रैक्शन है तो इस ज्ञान के बाद भी इस एक्सपीरियंस के बाद भी ये समझने के बाद भी कि आप क्या हो अभी भी आप गोल्ड के पीछे पागल हो या अट्रैक्टेड हो क्यों बिकॉज ऑफ योर पास कंडीशनिंग इसको प्रारब्ध कर्म बोलते हैं सर मांडुक्य उपनिषद का वर्स की आपने काफी बात की है पर जो वर्स है वो आप कभी बात नहीं की आपने उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने जिस वर्स की बात करी है दैट इज दस ऑफ ऑल दैट दैट इज इज ऑफ ऑल वेदासनिषदेंस ऑफ सेल्फ नॉलेज उसके ऊपर और कुछ नहीं है अगर सिर्फ एक वर्ष को आपको समझना है तो मांडुक्य उपनिषद का ये जो वर्ष है इसको आप अच्छे से समझ लीजिए वर्ड टू वर्ड तो आपको समझ आ जाएगा न अत ना न प्रज्ञम न उभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम अदृश्यम अव्यवहार्यम अघ्राम्यम अलक्षणम अचिंतयम अव्यवदेश्यम एकात्म प्रत्यय सार्यम प्रपंच उपशम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मनंते स आत्मा स वो ही आत्मा है वो ही जानने लायक है किसकी बात हो रही है साउंड ऑफ साइलेंस की बात हो रही है सर जो आपसे अब तक समझा है जाना है माइड बी आई एम रॉन्ग बट मैंने जो समझा है उसके अकॉर्डिंग जस्ट हमको अपना नॉलेज होना चाहिए सेल्फ नॉलेज अपने जो मैं है उसको सही जगह पर रख देना है फिर सर इतने सारे साधना पूजा आरतियाँ ये सब क्यों है सर ये सब जरूरी है अपनी अपनी जगह पर क्योंकि लोगों को बिजी तो रखना है ना कहीं ना कहीं खाली दिमाग शैतान का घर अगर घर में सास बहू है तो अगर वो दोनों फ्री हो गई तो क्या करेंगी उनकी एनर्जीज आपस में टकराएंगी लड़ेंगी झगड़ेंगी अगर सास अपना बिजी है बहू अपना बिजी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उनको कहीं ना कहीं बिजी रखना है तो उनको बिजी रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स हर एक चीज़ की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस होती है जैसे आप अगर पूजा पाठ करते हैं तो उसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है जो मूर्तियाँ हैं उसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है मंत्र है उसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टूल्स है जो जरूरी है जैसे अलग अलग क्लास के बच्चों के लिए अलग अलग बुक्स है ना सबके लिए एक जैसी बुक तो नहीं है ना अब आपके ऊपर है कि आप अभी किस लेवल पे हो आप नर्सरी में हो तो आपके लिए कुछ और है आप फिफ्थ स्टैंडर्ड में हो तो आपके लिए कुछ और है आप पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे हो तो कुछ और है अब मैं बात कर रहा हूं पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की या उसके भी आगे अगर कुछ होता है तो उसकी तो जरूरी नहीं है कि ये सब अभी आपको समझना है मे बी पांच दस साल बाद कभी अगर इंटरेस्ट हो तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं दो चीजें हैं लाइफ में जो जरूरी है एक एक्सपीरियंस ऑफ द साउंड ऑफ साइलेंस एक है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साउंड ऑफ साइलेंस कनेक्टेड टू यू नॉट माइनस यू तो आप खुद की झूठ को देख लेते हो कि मैं जिसको भी मैं कहता हूं या दुनिया जिसको भी मैं कहती है तू कहती है वो सब झूठ है सब बकवास है तो मैं का सच क्या है कि मैं सब में हूं और सब मुझ में है इसका मतलब क्या है कि मैं और आप दो नहीं है हम एक ही है इसको प्यार बोलते हैं इसी को कंपैशन बोलते हैं कंपैशन मुझे किसी दूसरे पे कैसे आ सकता है प्यार किसी दूसरे से कैसे हो सकता है दूसरे को तो मैं हमेशा यूज करूंगा अपने प्लेजर के लिए लोग बोलते हैं कि आई लव यू बट वो उसको यूज करते हैं अपने प्लेजर के लिए आई लव चिकन बट चिकन को खाते हैं अपने प्लेजर के लिए दे डोंट लव चिकन इफ दे लव चिकन तो वो चिकन को पाल लेंगे ना तो प्यार की जो शुरुआत है वो है सेल्फ नॉलेज कंपैशन की जो शुरुआत है वो है सेल्फ नॉलेज फ्रीडम की जो शुरुआत है वो है सेल्फ नॉलेज और ये जो नेचुरल स्टेट जिसकी आज हमने बात करी है इसकी जो फाउंडेशन है वो है सेल्फ नॉलेज सो अभी तो हमने अपने सेल्फ नॉलेज के बारे में बात की वो सब इंटरनल वर्ल्ड में है बट वी आर लिविंग इन दिस एक्सटर्नल वर्ल्ड हम इस दुनिया के साथ और यस yes, डिज़ायर्स भी हैं फियर्स भी हैं अंदर इन सब के साथ इस इनको बैलेंस कैसे करना है कैसे इंकलकेट करना है इन, इन दोनों वर्ल्ड को क्या हमको इसके एज पे खड़ा होना पड़ेगा कि मैं जहाँ से इसको भी एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ एक्सटर्नल और इंटरनल व्हाट शुड बी द वे टू मेंटेन द मोमेंटम ऑफ द ग्रोथ इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ये दो अलग अलग नहीं है हम कहने के लिए कह सकते हैं कि इंटरनल वर्ल्ड है कि एक्सटर्नल वर्ल्ड है

सेल्फ की नॉलेज पहले है और वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के भी ऊपर की लेवल की पढ़ाई है तो अगर कोई अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड से यानी फिजिकल वर्ल्ड से आ, कुछ प्रॉब्लम्स और डिस्प्यूट हैं किसी को तो हम क्या उनको सेल्फ की पढ़ाई करा के फिर आ, वो बैलेंस क्रिएट करवा सकते हैं नहीं how? बिल्कुल नहीं क्योंकि आप किसी और को तो सेल्फ़ की पढ़ाई करवा ही नहीं सकते ये कोई ऐसी पढ़ाई नहीं है कि आप ज़बरदस्ती करा दें किसी को वो बच्चे नहीं है आपके बच्चों को तो हम जबरदस्ती स्कूल भेज देते हैं उनको नहीं भी पढ़ना तो पढ़ा देते हैं डांट करके और कुछ भी करके तो ये आप किसी और का कर नहीं करा सकते खुद कर सकते हो और सेल्फ की पढ़ाई करने से आपको एक्चुअल में एक्सटर्नल वर्ल्ड में कोई खास बेनिफिट नहीं होने वाला है बस एक बेनिफिट होगा कि आपको समझ आ जाएगा कहाँ रुकना है इंसान को ये नहीं पता है कि रुकना कहाँ है यही इंसान की प्रॉब्लम है आपके पास में ज़रूरत से ज़्यादा होगा तो आपको शेयर करने में भी दिक्कत नहीं होगी पैसे को लेकर के ये जो इतना भयानक अटैचमेंट है हमारे अंदर हम बाहर से दिखाते कुछ है अंदर से कुछ और है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा दुनिया में दिखावा शो ऑफ स्टाइल मारना कि ये वो अब्रॉड और इंडिया और ये वो ये सब बकवास खत्म हो जाती है अब्रॉड क्या है और इंडिया क्या है चार दिन जा करके वहां पे रह लो तब तक तो ठीक है ज़्यादा लंबे टाइम तक रहोगे तो आपको वहां के भी प्लस माइनस दिखेंगे अगर आप इंटेलिजेंट हो तो और यहाँ के भी प्लस माइनस दिखेंगे जब इस तरह से आप देखते हो चीजों को तो आप जहां पर होते हो जिस भी सिचुएशन में होते हो अगर बेसिक आपके पास सर्वाइवल के लिए जो चाहिए वो है अगर पेट ही भरा हुआ नहीं है तो ये सब बातें काम नहीं आएंगी सेल्फ नॉलेज उन लोगों के लिए नहीं है जिनका पेट नहीं भरा हुआ है उनको तो अभी काम करना है ये उन लोगों के लिए है जिनको एक्चुअल में लाइफ में एट द लेवल ऑफ नीड कोई प्रॉब्लम नहीं है बट ग्रीड का कोई अंत नहीं है अब वहां पे सेल्फ नॉलेज का रोल आ जाता है तो अगर आप कहते हो मेरी लाइफ में फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है, है कोई दिक्कत नहीं, नहीं है नहीं।, नहीं है तो ये स्टेट आइडल स्टेट है खुद को जानने के लिए इसके आगे और कुछ नहीं है बाहर दुनिया में अपने आप को बिजी रखो और दिन का एक दो घंटा खुद को जानने के ऊपर लगाते रहो जैसे ऐसे खुद को जानते रहोगे खुद की लेयर हटती रहेंगी मन शांत होता चला जाएगा फिर उस शांत मन से इस दुनिया में एक्ट करते रहो शांत मन से करोगे खुश होकर के करोगे तो आसपास भी सब लोग खुश हो जाएंगे ये दुनिया काम कर रही है खुश होने के लिए आप काम करोगे क्योंकि आप खुश हो अपनी उस खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए दोनों में जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा अब आपके चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी आपके हस्बैंड वाइफ वॉट जो भी हैं बच्चे हैं सब खुश क्यों क्योंकि आप खुश अब आप उनसे खुशी एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो हम हर एक से कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं क्यों क्योंकि अंदर से हम खोखले हैं अंदर से हम बहुत ही छोटे हैं तुम बड़े होना चाहते हैं सबको यूज करके पेरेंट्स अपने बच्चों को यूज करके अपनी ईगो को बढ़ा रहे हैं कि देखो मेरा बच्चा ये वो ये वो अगर आपके बच्चे ने कुछ नहीं किया लाइफ में तो क्या वो आपका बच्चा नहीं है तो क्यों आपको सोसाइटी में जाकर के अपने रिलेटिव्स में या फ्रेंड सर्कल में जाकर के ये स्टाइल मारना है कि देखो मेरा बच्चा तो सुपरमैन है या सुपर वुमैन है क्यों वो एक ऑर्डरी बच्चा नहीं हो सकता है बच्चे को बच्चा क्यों नहीं रहने देते हो तो ये छोटा सा फर्क आ जाता है जब आप खुद को समझने लग जाते हो तो इस दुनिया में भी उसी तरह से एक्ट करते हो जितना कि जरूरी है इन अ नटशेल जो भी मैंने कहा है नेचुरल स्टेट क्या है कि आप अंदर से पीसफुल हो पीसफुल का मतलब क्या होता है शांति का मतलब क्या होता है जब अंदर कोई डिजायर नहीं है किस चीज का डिजायर नहीं है कुछ भी पाने का डिजायर नहीं है कुछ करने का है करने का क्या है कि भाई सुबह उठ करके योगा करना है क्यों करना है क्योंकि अभी बॉडी है तो फिट तो रहना ही है तो वो डिज़ायर तो है वॉक करनी है एक्टिव रहना है अपने काम खुद करने हैं किसी पे डिपेंड नहीं होना है सबसे अच्छे से बात करनी है तो ये बेसिक से डिज़ायर्स हैं बट कोई ऐसा डिज़ायर नहीं है कि मेरे को इस दुनिया को जीतना है या इस दुनिया पर राज करना है ये है वो है वट हर कोई इस दुनिया पर राज करना चाहता है अलग अलग तरीक़ों से कोई पैसे से कोई पावर से कोई पोजिशन से कोई अपनी रैंक से अलग अलग तरीक़ों से हर कोई अपनी ईगो को बढ़ा रहा है तो आपकी ईगो डिजोल्व हो चुकी है ईगो मतलब क्या मैं ये हूँ वो सेंटर गया नाउ देर इज नो सेंटर तो अब आप बिजी हो पूरा दिन अपना काम कर रहे हो बट कोई डिजायर नहीं है तो इसको आप नेचुरल स्टेट कह सकते हो अब आप सहज समाधि में हो आप जहां भी हो जिस भी सिचुएशन में हो फैमिली के साथ हो तो भी खुश हो फैमिली से दूर हो तो भी खुश हो सबके साथ भी खुश हो अकेले में भी खुश हो जब थॉट्स के लेवल पे कोई एक्टिविटी चल रही है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कुछ नहीं चल रहा है थॉटलेस स्टेट में बैठे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आई एम नॉट श्योर ये बात मुझे बोलनी भी चाहिए नहीं बिकॉज लोगों की समझ से परे है ये बातें देखो मैं कोशिश करता हूँ इसको यहीं पर समप्त करता हूँ खुद को जानने के बाद में ना ये जो एक लेयर होती है हम सब के अंदर एक कीड़ा होता है अच्छा इंसान बनने का दुनिया में भलाई करके ये देखने में दूर से बड़ा अच्छा लगता है कि वो इंसान कितना अच्छा है देखो कितना भला काम कर रहा है अंदर से उसका क्या मोटिव है वो सिर्फ उसी को पता है ये कीड़ा भी आपके अंदर से निकल जाता है क्योंकि ये भी रेस्टलेसनेस क्रिएट करता है आपको भगाता है अब मुझे ये करना है मुझे वो करना है मुझे ये मुझे वो मुझे वो कुछ नहीं करना है आपको तुम तो सवाल उठता है फिर क्या कुछ होता है सब कुछ होता है कैसे होता है अरे अब आप एक नदी की तरह हो जिसको जो चाहिए होगा वो ले लेगा आपसे नदी किसी की प्यास थोड़ी ना बुझाती है इन अदर वर्ड्स मुझे इस दुनिया में किसी की कोई भलाई नहीं करनी है किसी को कुछ नहीं बताना है किसी का कुछ नहीं करना है जो भी जो इंसान कर रहा है बढ़िया है मुझे किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है फिर सवाल उठता है कि मेरे इस दुनिया में होने का फायदा क्या है फायदा यह है कि इस दुनिया को जो चाहिए होगा मुझसे वो ये दुनिया अपने आप ले लेगी जैसे आज मैं सोच करके आया था कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा लेकिन आप लोगों ने मुझे हरा दिया आ करके कुछ ऐसे सवाल पूछ लिए कुछ ऐसा टॉपिक उठा दिया कि ना चाहते हुए भी जो मेरे अंदर था वो बाहर आ गया सर आप लेकिन क्यों नहीं बोलना चाहते थे इस टॉपिक पे क्यों बोलना है मतलब जो लोगों को जितना चाहिए उतना ही बोलो ना क्योंकि मेरी प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी टॉपिक हो कैसा भी टॉपिक हो जा करके सेल्फ नॉलेज से कनेक्ट हो जाता है डिस्कवर याल्फ से कनेक्ट हो जाता है अब ये हर एक के लिए नहीं है ना बट मेरी प्रॉब्लम क्या है कि अब मैं जिस लेवल पे हूँ उसी लेवल की बात करूंगा ना अब कोई प्रोफेसर है वो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ाता है अब वो उसी लेवल की तो बात करेगा अब वो 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 ए बी सी डी तो पढ़ाएगा नहीं जा करके बट अगर कोई आया है ए बी सी डी सीखने के लिए उनसे एकदम से वो बात करने लग जाए तो उनके लिए प्रॉब्लम तो ये एक मिसमैच हो जाता है तो जो लास्ट लेयर होती है वो ये होती है कि एक इंसान के अंदर एक कीड़ा होता है कि मुझे दुनिया को बताना है मुझे इस नॉलेज को स्प्रेड करना है मुझे ये भलाई करनी है मुझे ये करना है मुझे वो करना है वो भी खत्म हो जाता है अब मैं एक नदी के जैसे बह रहा हूँ जिसको प्यास होगी वो आएगा जिसको नहीं है वो नहीं आएगा जिसको प्यास होगी जितनी प्यास होगी उतनी प्यास बुझा लेगा जिसका काम अभी शराब खाने से चल रहा है वो वहीं बैठा रहे दुनिया में बहुत शराब खाने हैं तो ये एक लास्ट एक कड़ी होती है जो खुल जाती है दिस इज द पिनिकल ऑफ नेचुरल स्टेट अब एक्चुअल में ना अच्छे से अच्छा ना बुरे से बुरा कोई डिजायर नहीं है किसी भी तरह का फिर भी सब कुछ हो रहा है कमी कहीं कुछ नहीं है नहीं होती ना खुशी क्यों होगी एक मिनट बोलना माइक लेकर सर <laughs> तो फिर बहुत खुशी होती है किसी चीज नहीं होती ना खुशी क्यों होगी नदी को खुशी क्यों होगी नदी का जो काम है वो कर रही है बिकॉज ये खुशी ट्रैप है अपने आप में ये नेचुरल स्टेट से दूर ले जाती है हमको मैं बता रहा हूं ना जो भी खुशी ढूंढ रहा है ना इस दुनिया में वो भी भिखारी है मैंने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले आप खुश होने के लिए काम नहीं करोगे क्योंकि अगर मैं ये काम करूंगा खुश होने के लिए तो मेरे को दुखी होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती खुश होने के लिए मतलब क्या कि मैं आपको समझाना चाहूंगा अब अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं दुखी हो जाऊंगा अब मेरा मोटिव ही नहीं है एक्चुअल में कोई मोटिव नहीं है तो कहां खुशी कहां दुख तो मैं क्या कर रहा हूं आप जो पूछ रहे हो मैं सिर्फ जवाब दे रहा हूं अब उसमें से आपको क्या यूज करना है कैसे यूज करना है कितना यूज करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है वो आपका डिपार्टमेंट है अगर आप बाहर से अपीयरेंस देखोगे तो आप कहोगे हाँ एक मोटिवेशनल स्पीकर है जो ऐसे ही जींस पहन करके शर्ट पहन करके कोई फालतू की बातें कर रहा है या आत्मज्ञान की बातें इसके मुंह से नहीं अच्छी लगती है कोई वो आचार्य है, जिसकी वो है, वो है वो ये है वो वो है उनको सब पता है तो वो उधर जाएंगे जाने दो इसीलिए ना खुशी है ना दुख है नदी की तरह बहते चले जा रहे हो सो so, मेरा फाइनल क्वेश्चन ये होगा कि ये खुशी और दुख के ट्रैप से निकलकर हम ऑटोमेटिकली एक रिवर बन जाते हैं इस नेचर में जो भी कुछ है ना उससे अगर आप सीखोगे तो आपको समझ आएगा कि वो सब इस ट्रैप में फंसे ही नहीं है क्योंकि वहाँ पर थॉट नहीं है जैसे एक फूल खुशबू देता नहीं है खुशबू दे करके वो किसी का भला नहीं कर रहा है और कोई आया और आ करके वो सूंघ करके बोलता है इसकी खुशबू अच्छी नहीं है उस फ्लावर की अच्छी है तो वो बुरा नहीं मानता है समझ गए एक फूल कुछ नहीं करता है उसको आप निष्काम कर्म बोल सकते हो कोई कामना नहीं है उस फूल की सब कुछ हो रहा है उसके होने की वजह से नदी के होने की वजह से सब कुछ हो रहा है लाखों करोड़ों लोगों की प्यास बुझ रही है बट नदी के अंदर यह अहंकार नहीं है कि मेरी वजह से हो रहा है नदी है कहाँ पानी, पानी है पानी क्या है वही पानी है जो आप में मुझ में है सब एक ही है कहीं कोई फर्क नहीं है इसको आप नेचुरल स्टेट कह सकते हो इसको सहज समाधि कह सकते हो क्योंकि अब दर इज नथिंग टू डू एंड नो वेयर टू गो नथिंग टू अचीव नथिंग टू लूज the end of everything wish you all the very best and it was pleasure talking to you